रामोसी विद्रोह क्या है? जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आदिवासी एवं जब किसान बात पर। जनजातियों की हो रही है तो हम अहम जनजाति की बात करना चाहेंगे, जिसे अहोम भी कहते हैं। अहोम जनजाति यह क्या है? अहोम जनजाति ताई जाति से संबंधित है, जो 13वीं शताब्दी से ब्रह्मपुत्र घाटी में रह रहे हैं। अहोम साम्राज्य का अस्तित्व कई वर्षों तक असम में रहा। इसके बाद ये लोग प्रमुख शक्तियों के विरोध के कारण वनों में चले गए। अहोम जनजाति असम में पाई जाती है, यही इसका इतिहास है जिसे हमने शॉर्ट में बता दिया था। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। अहोम आदिवासी किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम, और दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम। ब्रिटिश राज के दौरान 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सविनय अवज्ञा और विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बारदोली सत्याग्रह हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जैसा कि हमने पढ़ा है, यह ब्रिटिश राज के दौरान 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। इस सेशन को करते हुए एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह क्या है? इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। रामोसी विद्रोह 1825 से 26 में चितूर सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में किया गया था। यह पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोग थे और इन्हीं के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ऑप्शन ए छोटा नागपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी पश्चिमी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र। जब ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट की बात हो रही है, तो एक क्वेश्चन जो बीपीएससी हर दूसरे एग्जाम में पूछ लेती है, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। वह है नील विद्रोह। नील विद्रोह के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि एग्जामिनर अब क्वेश्चन को अगर बदले तो हम उसे एस्केप नहीं करेंगे, उसे बना देंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों देख रहे हैं, चेंज हो रहा है। इवन बिहार पुलिस जो कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम लेती है, उसका मैंने देखा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का पैटर्न इतना हार्ड कर दिया गया कि अब लगता है कि वन लाइनर पढ़ के आप सीधा सीधा फैक्ट याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड पता नहीं हो। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जानकारी होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे टफ होता चला जा रहा है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं नील विद्रोह पर। ब्रिटिश बागान के मालिकों ने किसानों को अपनी भूमि पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। यदि किसानों ने नील की खेती करने से मना किया तो अंग्रेज उनकी फसलों को जला देते थे, महिलाओं और बच्चों पर हमला भी करते थे और किसानों को पीटते भी थे। यही वर्ष 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत का मुख्य कारण था। बंगाल प्रेसिडेंसी के नादिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया और नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बंगाली बुद्धिजीवी ने समाचार पत्रों का उपयोग करते हुए अभियान को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ सामूहिक बैठकों का आयोजन किया, किसानों की शिकायतों के लिए ज्ञापन तैयार किया तथा कानूनी लड़ाई हेतु मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह की वजह से सरकार द्वारा इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने ब्रिटिश बागान मालिकों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी किसान अपनी ज़मीन पर नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस पर आधारित क्वेश्चन है, 1859 के नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भू राजस्व में वृद्धि विद्रोह का मुख्य कारण था, ऑप्शन बी
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन सी, विद्रोह केवल एक क्षेत्र तक सीमित था। ऑप्शन डी, बुद्धिजीवी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि वे इस आंदोलन से खुश नहीं थे। ऑप्शन डी तो सरासर गलत है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ने इस आंदोलन का समर्थन किया था और उन्होंने किसानों की मदद भी की थी। ऑप्शन बी इसका सही है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी। दोस्तों एक क्वेश्चन है, 1840 के दशक में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? इस क्षेत्र में गडकरी विद्रोह हुआ। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में 1840 के दशक में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व गडकरी ने किया, जो मराठों के वंशानुगत सेवक थे। गडकरी ने 1844 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर उन्हें हराया और कोल्हापुर में समानांतर सरकार बनाई। अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज के जैसा ही सरकार खड़ा कर दिया। अठारह सौ चालीस के दशक में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए सावंतवारी विद्रोह, ऑप्शन बी गडकरी विद्रोह, ऑप्शन सी रामोसी विद्रोह एंड ऑप्शन डी खोंड विद्रोह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गडकरी विद्रोह। एक जनजाति है संथाल। संथाल जनजाति है जहाँ संथाल परगना पर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। जानते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, यह 1949 केवल झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र पर लागू होता है, जिसमें देवगढ़, दुमका, जामतारा, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिले शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू है? ऑप्शन ए पूरा झारखंड राज्य, ऑप्शन बी केवल कोल्हान के क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल संथाल परगना में, ऑप्शन डी संथाल परगना और छोटा नागपुर दोनों क्षेत्र में। करेक्ट आंसर होगा सी केवल संथाल परगना में। फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ ख़त्म होता है। बहुत दोस्तों का मैसेज था कि सर आपका जो क्वेश्चन होता है या आप जो लिखते हैं वो इंग्लिश में होता है, इसे हिंदी में लिखिए, हम लोगों को आसानी होगा। इसलिए मैंने यह सेशन हिंदी में रखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदी वालों के लिए तो हिंदी में बना लेते हैं, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं बाइलिंगुअल रखा था वीडियो, जिसमें इंग्लिश में लिखा होता है और मैं हिंदी में बोलता हूँ, ताकि दोनों स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाए। मैंने यह सोचा है कि यह सेशन जो मैं हिस्ट्री करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से पूरा हिस्ट्री करवाना है, तो इस सेशन को हिंदी में करा देते हैं और बाकी जितने भी होंगे हमारे हिस्ट्री के डिटेल्स में टॉपिक्स, वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा हिंदी में आप लोगों की डिमांड पर, और कोर्स जो मेरा हिस्ट्री का चलेगा वो बाइलिंगुअल होगा। हिंदी का, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए एक अलग से मैं लाऊंगा, उसमें शुद्ध हिंदी में ही होगा सब कुछ, वो काफ़ी डिटेल में होगा। सिलेबस अभी बना ही रहे हैं, उसको डिज़ाइन ही किया जा रहा है। तत्काल हम लोग अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो यह सेशन करवा रहे हैं। गर्मी बहुत है और गर्मी में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं 1857 के विद्रोह में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक यू।